में लाइन चेंज हो जाती है, इस बैच में लिखा हुआ दिया गया है, अगले किसी बैच में कोई दूसरी दिमाग में लिख दिया लिखा गया है, अगले में किसी और आया तो उसमें मिलता है कुछ ऐसा जो भी दिमाग में था उस टाइम वो लिख लिया जाता है। आप भी जब आप अपने हिसाब से लाइंस लिखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें यही याद हो जाएगी। आप बच्चे एक ये बड़ा यूं वो करते हैं कि आप जो टीचर बोलता है वैसा लिखते हैं, इसलिए मैं कई बार देखता हूं कि अब मैंने लाइन बता दी, तीन बार बता दी कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है, पूरी कहानी बताई, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, खिजर खान है, खिजर खान के नाम पर इसका नाम क्या है खिजराबाद, स्टूडेंट के सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं कहता हूं लिखो, और मैं कहता हूं इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम, स्टूडेंट लिखता है इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम, इतने में मैं इंग्लिश की तरफ चला जाता हूं, मैं कहता हूं चित्तौड़ इज रेफर्ड एज खिजराबाद इन दिस इंस्क्रिप्शन, फिर मैं वापस इधर आता हूं इस अभिलेख में, फिर इतना करके कई बार वापस इंग्लिश की तरफ चला जाता हूं, स्टूडेंट मेरी तरफ देखता है आगे बोल तू इंग्लिश की दो बार बोल गया हिंदी क्यों नहीं बोल रहा, बोलना इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है, तूने समझा दिया बोलता क्यों नहीं है, तो जब तुझे पता है कि मुझे ये बोलना है तू लिखता क्यों नहीं है। इतना क्या टीचर पे डिपेंड होना कि वो जो लाइन बोलेगा वही हम लिखेंगे। ये मैं जब खुद मैं स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मेरे दिलीप सर से पढ़े वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए, तो मैं जब पढ़ा करता था मेरी हमेशा आदत थी कि जो सर ने लाइन बोली है ना मैं इन शब्दों का तो मरे प्रयोग नहीं करूंगा, कि मैं भाई हिस्ट्री में होता क्या था, हिस्ट्री में होता भाई अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा दिया है ना, या कोई कोई दूसरा नाम आता भाई महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया, टीचर क्या होता है एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कि जब मैं लिखता हूं कि हरा दिया तो मैं बार बार हरा दिया ही बोलूंगा ताकि समझ में आ जाए आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच रहे, मैं यदि बार बार शब्द चेंज करने लग जाऊंगा तो आपको लगा रहे सर पिछली बार कुछ बोले इस बार, तो आप सब समझने में लग जाएंगे, मेरा काम आपको हिंदी पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको क्या है हिस्ट्री पढ़ाना। पर मैं खुद सोचता कि यार सर ने एक बार लिखवाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा दिया, अपने हरा दिया लिखा, अगली बार सर ने बोला कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया, अपने लिख देंगे पराजित कर दिया, बात तो वही है। अगली बार कोई और तीसरा आया कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया, अब मैंने वापस लिखा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को शिकस्त दी, बात तो वही है। अगली बार आया कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, अपने लिखा गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दी, इस बहाने कम से कम मैं चार पर्यायवाची तो सीखा कि हार को पराजय भी कहते हैं, उसको शिकस्त भी कहते हैं, उसको मात भी कहते हैं। अगली बार क्वेश्चन लिखा है कि उसने उसको बुरी तरह हरा दिया, अपन लिखा उसने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, भयंकर ढंग से हरा दिया था उसको, हरा दिया क्यों लिखे हैं, उसकी जगह हमारे पास दूसरे शब्द। मैं लिखवाता हूं कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया, आप लिखते राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। मैं लिखवाता हूं जोधा ने मेहरानगढ़ का किला बनवाया था, आप लिखिए जोधा ने मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, सब तो वही है पर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपका दिमाग सोचता है कि हाँ सर ने लिखवाया बनवाया, मैंने लिखा निर्माण, आपके याद हो गई लाइन। कोचिंग का मजा देखो तभी है जब आप कोचिंग में 2 घंटे पढ़ के जाओ और ये 2 घंटे पढ़ा हुआ घर पे जाके 1 घंटे में याद हो जाए, उसको देखो 1,00,000 रुपए देने के मजे हैं। यहां 2 घंटे पढ़ के गए फिर घर पे जाके 4 घंटे आगे नीचे हो रहा है पीर के दरगाह है ना, और उसमें भी जाके तीसरे दिन कोई पूछ ले कि दाहिबी पीर कौन थे, महिला थी कोई, दाहिबी नाम तो लुगाई जैसा लगता है, कौन रहे होंगे इसका कोई मतलब नहीं है देखो है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भेड़ चाल के अंदर बह जाएं कि भाई ठीक है कोचिंग करनी है तो अपने कोचिंग में आ गए, कोचिंग आए तो होना ये चाहिए कि आपने 1,00,000 की फीस जमा करवाई, आप कोचिंग वालों से 3,00,000 चूस लो, खा जाओ निचोड़ जाओ उनको, यहां पर ही सारी चीजें याद कर जाओ कि 18 महीने बाद जब कोचिंग खत्म हो तब अपने को लगेगा यार इन्होंने जो पढ़ाया था वो तो पूरा पूरा याद है, उसमें से तो अपने का की इधर को उधर करने की आवश्यकता, अब जो और पढ़ेंगे वो अपने हिसाब से पढ़ लें। जबकि अधिकतर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसका 50% भी याद नहीं होता, 50 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 35-40% याद रहता है भाई, इतने सारे बैच पढ़ाए हुए हैं उनकी तैसरी चल रही है, 200 नंबर का पेपर होता है, ज्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो उनके पढ़ाए हुए हैं, नंबर आते हैं स्टूडेंट के 80, 90, 100, 110, कोई हमें आगे कहता है मेरे 110 आए, हम कहते थू थू शाबाश 110 नंबर आए, उसको शाबाशी देने का जी करता है यार ये बच्चा बहुत पढ़ता है। फाइनल मेरिट देख लो आप, आरपीसी की मेरिट कितनी जाती है, 150 सवाल आते हैं, पिछली बार जो कट ऑफ थी वो थी 84 कि 84 नंबर वाले का मेंस कॉल हो गया था, उसका प्री पास हो गया था, 84 का मतलब हुआ कि उसके 50% नंबर भी नहीं,
200 का पेपर था, 100 तो 50% होने चाहिए, उसके कितने आ रहे हैं 84, मतलब 42% मेरिट। जबकि आप देखेंगे कि 150 सवाल आए थे, उनमें से 125 सवाल सीधे नोट्स में से थे, 20-25 सवाल कोई रहे होंगे जो इधर उधर के घुमा के पूछ लिए होंगे, उसको नहीं आए होंगे, पर 120 के आसपास सवाल तो यही थे। मेरिट कितनी गई कि 63 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया, 63 के 84 नंबर हो जाते हैं, तो 63 क्वेश्चन, अब 120 उसके नोट्स में से थे, उसमें से 63 हो रहे हैं उससे, इसका मतलब वो नोट्स भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब ये था कि उसने केवल नोट्स बनाने में, लिखने में ध्यान दिया और कोई ध्यान नहीं दिया, कि उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं इतने सुंदर लिखूंगा कि अगली पीढ़ी भी उनको पढ़ पाएगी, अगली पीढ़ी को मेरे कोचिंग करने की आवश्यकता। एक और मैं आपको फिर बता दूं, अभी शुरुआत में बता दूं, आप में से खूब सारे ऐसे लोग होंगे जो यहां पे बैठकर रफ में लिखते हैं, प्लीज ना लिखें, यही रफ है यही फेर है। मैं जब उनसे पूछता हूं तुम यहां रफ में क्यों लिखते हो, तो उनके दो एक्सक्यूज होते हैं। एक ये होता है कि सर घर पे जाके दोबारा फेर में लिखेंगे तो दो बार लिख लेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। याद केवल इसलिए होता है कि आप क्लास में बैठे थे, याद केवल इसलिए होता है कि आपने क्लास में ध्यान दिया था, याद केवल इसलिए होता है कि टीचर जब पढ़ा रहा था आप चीजों को ढंग से सुन रहे थे। यदि दो बार लिखने से याद होते हैं तो मैं आपको कहता हूं आप 3 दिन अब्सेंट हो जाना कभी बीच में, और फिर जो मैंने लिखवाया उसको 3 बार नहीं 10 बार लिख लेना और मेरे को याद करके दिखा देना। जो क्लास आपने बंक किए, जिस क्लास में आप बैठे नहीं, वो याद ही नहीं होगी कभी, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसका मतलब याद तभी होता है जब आप क्लास के अंदर बैठोगे, वरना चीजें याद नहीं होगी। दूसरा ये रहता है कि सर राइटिंग खराब है तो घर पे जाके ढंग से लिख लेते हैं हम, अब नहीं सुधरेगी। 20 साल में जो नहीं सुधरी ना वो अब सुधरेगी, और राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, जो अगले के बस समझ में आ जाए, वरना मेंस के पेपर में आपकी सबकी राइटिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पेपर इतना लेंदी आता है कि यदि आप यूं सुंदर सुंदर लिखने बैठोगे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो, तो वहां पर वही खराब राइटिंग ही चलती है, और जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी रहिए, उनका सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि अगले को समझ ही नहीं आती तो अगले को लगता है कुछ तो ठीक लिख ही दिया होगा, और जिसकी राइटिंग समझ में आती उसको लगता है अरे साफ साफ गलत लिख गया, काट दो इसको। तो मैंने जिन लोगों की राइटिंग खराब है उनके आरएस में सिलेक्शन जल्दी होते देखे, तो जिनकी राइटिंग खराब हो राजी हो, अपना सिलेक्शन तो पक्का ही पड़ा है, अपने को बाकियों की तुलना में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिले। राइटिंग ऐसी हो जो अपने खुद पढ़ ले, ऐसा थोड़ी होता है कि आप खुद यहां पे लिखते हो और खुद ही घर पे जाकर देखो क्या लिख लाया ये तो पता ही नहीं चल रहा, लेंस लगाना पड़ेगा, पड़ोसी को जो देख यार क्या लिख लाया, पड़ोसी कहता जब तेरा लिखा हुआ तेरे को नहीं आ रहा है ना। राजस्थानी एक कहावत है कि आला पंडिजन आप हूं, सूखा पंडिजन कोई बाप हूं, कि आला मतलब गिले गिले थे तब तो खुद से नहीं पढ़ेगा, और सूखे उसके बाद तो किसी का बाप भी उसको पढ़े, इतनी खराब तो नहीं है। बस यहीं पे रफ में लिखें, यहीं पे फेर में लिखें, घर पे जाके इनको बार 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 याद करें इन चीजों को। ज्यादा तो ये हो कि आप एक बार पढ़ लें इनको, एक बार दो बार पढ़ लें इनको, फिर नोट्स बंद कर दें और नोट्स बंद करके सोचें कि अभिलेख में मेरे कितने अभिलेख लिखे हुए, या अभिलेख में मेरे क्या बात लिखी हुई है, अभिलेख मेरे लिखा हुआ है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है एपिग्राफी, अभिलेख मेरे लिखा हुआ है कि ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती क्या कहलाते हैं यूलॉजी या प्रशस्ति, उनमें लिखा हुआ है कि ये राजाओं की वंशावली बताते हैं, विजय बताते हैं, स्थापत्य कला बताते हैं, उनके अंदर पता चलता है कि अभिलेख समसामयिक होते हैं, ये उनकी वंशावली के बारे में हमें बताते हैं। फिर सर ने पहला लिखवाया था बड़ली, बड़ली में ये 4 बातें, फिर गोसुंडी उसमें ये 3 बातें, रणकपुर उसमें ये 4 बातें, फिर आमेर उसमें ये 3 बातें, फिर हमने 2 फारसी के पढ़े थे, 1 फारसी का अजमेर में, 1 फारसी का चित्तौड़ में, अजमेर वाले में ये जानकारी है, उसमें ये जानकारी है, इस सन का ये, उस सन का ये, इसने लिखा है उसने लिखा, ये सारी बातें बताओ, इसको देखो पढ़ना कहते हैं। तो आप प्लीज ये तेरा पूरा ध्यान इस पे है कि तुम वीडियो बना ले, तूने मेरी बात सुनी नहीं, नहीं सुनी, ये करे तेरे जैसी बातें खूब सारे लोग करते हैं, इतनी बकवास तो मुझे भी आती है, ठीक बना वीडियो बना फिल्टर लगा इसमें मेरा एक वीडियो मेरी शक्ल काली नहीं आनी चाहिए।